दोस्तों नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सन्नी देओल के फिल्म गद्दर 2 ने किया अभी तक बहुत ही बड़ा चमत्कार। गद्दर 2 ने रिलीज के 52 दिन के बाद लाई बॉक्स ऑफिस पर भीषण सुनामी। गद्दर 3 में काम करने के लिए दीपिका पादुकोण ने दिया बहुत ही बड़ा बयान। दीपिका पादुकोण को बयान सुनकर सन्नी पाजी भी हुए भावुक। जी हाँ दोस्तों, क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको वीडियो में, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सन्नी पाजी की फिल्म गद्दर 2 को सपोर्ट करते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपको बता दें कि गद्दर 2 आज भी सिनेमा घरों में चल रहा है और दोस्तों वहीं शाहरुख खान की फिल्म जवान पठान कोई भी मूवी अब नजर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों यह फिल्म गद्दर 2 इतना दिन होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा मचाया हुआ है। और वहीं दोस्तों अब सन्नी पाजी की फिल्म गद्दर 2 के बाद अब गद्दर 3 आने वाला है और दोस्तों यह सन्नी पाजी का फिल्म गद्दर 3 के लिए लोग काम करना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों गद्दर 3 में काम करने के लिए दीपिका पादुकोण ने बोला तो वहीं दोस्तों सन्नी पाजी ने काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म गद्दर 2 का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों यह फिल्म 3809 करोड़ की भयंकर कलेक्शन किया है और दोस्तों अपने नाम एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। और दोस्तों दीपिका पादुकोण ने सन्नी पाजी के ऊपर बहुत ही बड़ा बयान दिया है, तो दोस्तों आपको इस बयान के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप भी एक सच्चा हिंदुस्तानी है, गद्दर 2 को सपोर्ट करते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।